एक चोरी को अंजाम देना यह भी एक बहुत बड़ा काम है। कई बार लोग चोरी करने तो जाते हैं लेकिन अपनी घबराहट के कारण लोगों के सामने बेवकूफ साबित हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही टॉप 10 बेवकूफ चोरों के बारे में बताने वाले हैं जिनको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर 10, इस बेवकूफ चोर को मास्क नहीं मिला तो इसने चेहरा छुपाने के लिए खाली डिब्बा लगा लिया। डिब्बा लगाकर दुकान में चोरी करने आया है और फिर इसके साथ क्या होता है वो आप खुद देख लीजिए। नंबर 9, इस महाशय को ही देख लो। इन्होंने दुकानदार को गन दिखाकर माल निकालने को कहा, फिर टेंशन फ्री होकर गन को काउंटर पर रख दिया। फिर आगे जो हुआ आप देख लीजिए। नंबर 8, अब इस बेवकूफ चोर को ही देख लो। ये साइकिल का हैंडल चोरी कर रहा था लेकिन इस बेवकूफ को क्या ये नहीं पता कि ब्रेक की वायर भी होती है। यह बार बार हैंडल को खींचता है फिर नाकाम कोशिशों के बाद ये चला जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए। नंबर 7, अब बाइक सवार इन दो चोरों को ही देख लो। इन्होंने गन से एक बाइक वाले को रोका। एक चोर ने उसकी बाइक की चाबी छीनी और बाइक को लेकर जाने लगा लेकिन बेवकूफी तो ये हुई कि उस चोर से वो बाइक ही नहीं संभली और वो बाइक को लेकर नीचे गिर गया और बाइक के नीचे दब गया और पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। नंबर 6, इस बेवकूफ चोर ने कांच के गेट को तोड़ा और चोरी करने अंदर घुसा। भागते समय इस चोर को अपना तोड़ा हुआ गेट ही नहीं दिखा, ये दूसरे गेट के जाके थुक गया। क्यों भैया, रतौंधी है क्या आपके जो दिखता नहीं है रात में। ऐसी ही घटनाएं और जगह भी देखी गई हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए क्योंकि इससे आगे आपको इनसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बेवकूफ देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 5, इनके लिए तो जो कहें वो कम है। इस महाशय ने तो एक चोरी की वो भी गाय की और वो भी किस में, अपनी छोटी सी ऑल्टो कार में। अब आप खुद ही देख लो।
दोस्तों इस बेवकूफ चोर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके लिए जो आप कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। नंबर 4, इन चोरों की बेवकूफी पर आप हंस पड़ोगे। ये सारे चोर एक दुकान में चोरी करने जाते हैं और साथ में एक भी हथियार लेकर नहीं जाते हैं। और उस दुकान में मिल जाता है इनको एक पुलिस वाला, और बाद में क्या होता है आप वो खुद देख लीजिए। नंबर 3, वो कहते हैं ना जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा। इस चोर की हालत वैसी ही है। ये बेवकूफ चोर चोरी करने एक दुकान में जाता है, ये दुकान की छत पर चढ़ते समय गिर जाता है, फिर दुकान में उतरते समय ये फिर गिर जाता है। इस चोर की ये खानदानी प्रथा लगती है। ये बेवकूफ चोर चोरी करके गेट से जाने की सोचता है, फिर वही किस्मत, गेट बार बार ठोकने पर भी नहीं खुलता है। फिर ये सीढ़ी लेकर दोबारा छत पर चढ़ता है, लेकिन फिर अपनी प्रथा निभाता है और सीढ़ी से गिर जाता है। और जब दुकानदार आता है तो ये बेचारा उससे हाथ जोड़कर घुटने के बल लेटकर माफी मांगता है। नंबर 2, इस बेवकूफ चोर को ही देख लो। ये पहले घर में घुसते हैं, फिर बाइक चोरी करते हैं और बाइक को गेट में फंसा देते हैं, और पीछे से आ जाता है बाइक का मालिक, फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लो। अरे भैया बाइक चोरी करनी थी तो गेट को बाइक जितना तो खोलना चाहिए ना। नंबर 1, अब इन बेवकूफों को ही देख लो। इन्होंने तो चोरों का नाम ही रोशन कर दिया, चोरी भी ऐसे करते हैं पता ही न चले सामान कहाँ गया। अब आप खुद देख लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में 2 लिखकर भेजें।